डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई को जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक है पैलेस्टाइन इशू। सबसे पहले हम इसकी वो कैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है मास्केयर। मास्केयर मीन कत्लेआम। नेक्स्ट है इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड मीन ग्रीव। नेक्स्ट है एस्केलेशन। एस्केलेशन मीन इजाफा करना। नेक्स्ट है होस्टाइल्स। होस्टाइल मीन दुश्मन। नेक्स्ट है परप्यूटेटिंग। परप्यूटेटिंग मीन बरकरार रखना। नेक्स्ट है सेंक्शंस। सेंक्शंस मीन मंजूरी देना या रोक देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी को। अभी पीर के दिन ही इसराइल के 1000 जो फौजी नौजवान है वो फलस्तीन के शहर जनीन में उतरे और उन्होंने फलस्तीन के उस शहर में मौजूद फलस्तीनी जंगजुओं को निशाना बनाने की कोशिश की और जिसके नतीजे में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और 12 जो फलस्तीनी थे वो शहीद हो गए। शायद ये तादाद बहुत कम है, वरना जिस खूनखार तरीके से उन्होंने हमला किया लगता ये था कि वो पूरा शहर ही तबाह कर देंगे और इस तरह उन्होंने जनीन शहर के मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिसमें सीवरेज और उसके अलावा घरेलू मकानात, दुकानें वगैरह और पार्क्स वगैरह शामिल थे। इस तरह इसराइल ने अपनी जो रियासती बर्बरियत है उसे जारी रखा। लेकिन ये दो रियासती हल को सामने रखते हुए एक इंतहाई बद्दा इकदाम था और ये अक्वामे मुत्तहिदा के बनाए हुए कवानीन के मुखालफ भी था। इसीलिए बदकिस्मती से अक्वामे मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट के जो चीफ थे उन्होंने एक हल्की सी स्टेटमेंट जारी की कि ऐसा करना इंतहाई गलत इकदाम है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका जो है वो क्या करता है, अगर कोई दूसरा मुल्क है और उस पर वो तशद्दुद किया जाता है तो उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन अगर उसका जो हमायती है, उसका जो कलीग है यानी इसराइल, अगर फलस्तीन पर तशद्दुद करता है तो वो भी चुप साध लेता है। और इसके साथ साथ जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर है उसकी एक खतरनाक स्टेटमेंट के जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है उस पूरी ही फौज को, उस पूरी ही सल्तनत के लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके, जो कि अरब में मौजूद वो लोगों की मुकम्मल नस्ली इम्तियाज को ख़त्म करना और उन्हें मुकम्मल तौर पर उनकी आबादी को निशाना बनाने की धमकी है। इससे अरबों को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि किस तरह इसराइल जो दो रियासती हल से भी अब आगे बढ़ रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके, और अमेरिका और यूएन को भी इस पर एहतियात से काम लेना चाहिए कि वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विज़िट करें। शुक्रिया।